मैं डॉक्टर प्रीति मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज आपसे कंगारू मदर केयर के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। कंगारू मदर केयर एक ऐसी रामबाण औषधि है जो प्री मैच्योर बच्चों में ना सिर्फ सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाती है, साथ ही साथ उनमें होने वाली मॉर्बिडिटी को भी कम करती है। दुनिया भर में लगभग हर साल 40 लाख बच्चों शिशु की विभिन्न कारणों से मौत हो जाती है, जिनमें से मुख्य कारण होता है प्री मैच्योर बच्चे। एक स्टडी में पता चला है कि अगर माँ अपने बच्चे को जो समय से पहले पैदा हुए हैं उन बच्चों को वक्त से ज़्यादा समय तक लगाकर रखती है तो ऐसे बच्चों में सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कंगारू मदर केयर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट पर बेस्ड एक ऐसी पद्धति है जिसमें बच्चे को माँ के वक्त से डायरेक्टली लगाया जाता है। कंगारू मदर केयर से बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे को गर्माहट मिलती है, उसके श्वसन दर और तापमान में संतुलन बना रहता है और साथ ही साथ बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे को विभिन्न बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कंगारू मदर केयर शिशु मृत्यु दर को कम करने में एक बहुत ही कारगर औषधि है। तो आइए जानते हैं कंगारू मदर केयर कैसे करते हैं। कंगारू मदर केयर में जिस तरह से कंगारू अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर रखता है, उसी तरह से इसमें भी माँ को अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर रखना होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, माँ को एक सामने से खुलने वाला गाउन पहनना होता है या फिर शर्ट भी पहन सकते हैं, और बच्चे को एक डायपर पहनाइए और साथ में एक कैप पहना सकते हैं, और सर्दी का मौसम हो या फिर ज़रूरत हो तो आप बच्चे को ग्लव्स और सॉक्स भी पहना सकते हैं। सबसे पहले माँ आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। उसके बाद बच्चे को माँ की छाती पर लगाए। माँ के चेस्ट पर बच्चे को इस तरह से लगाना है जैसे बच्चा हाथ पांव फैलाते हुए मेंढक की तरह छाती पर लिपटा रहे। अब बच्चे का सर एक तरफ कर दें। ताकि माँ कंटिन्यूसली अपने बच्चे को देखती रहे। इसके बाद में आप गाउन को क्लोज कर सकते हैं या फिर एक कपड़े से बच्चे को माँ के साथ गाउन से बांध सकते हैं, और इस तरह से बांधना है ताकि माँ की श्वसन दर से बच्चे की सांस को लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। इस पोजीशन में माँ अपने बच्चे को लगभग 1 घंटे तक रख सकती है, और साथ ही साथ माँ चाहे तो अपने बच्चे को लोरी भी सुना सकती है, अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कर सकती है। कंगारू मदर केयर करते समय आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जिसमें है कि आप बच्चे की श्वसन दर को लगातार देखते रहे कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं, बच्चे की धड़कन को महसूस करते रहे, बच्चे के हाथ पांव का रंग देखते रहे कि हाथ पांव नीले तो नहीं पड़ रहे हैं, उनका रंग गुलाबी होना चाहिए, और साथ ही साथ ये चेक करते रहे कि बच्चे के हाथ पांव ठंडे ना हो। कंगारू मदर केयर को आप डिलीवरी के 2 घंटे के भीतर स्टार्ट कर सकते हैं, और बच्चा अगर सीरियस कंडीशन में हो, आईसीयू में एडमिट हो, वेंटिलेटर पे हो या फिर ऑक्सीजन की किसी अन्य मशीन पर हो, तो आप शुरुआत में उसको कुछ समय के लिए करके फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा स्टेबल हो, मेडिकली फिट हो, उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। कंगारू मदर केयर घर का कोई भी सदस्य, पापा, मम्मी, नाना, नानी, दादा, दादी, कोई भी कर सकता है। बस कंगारू करते समय आपको अपनी सफाई का ध्यान रखना है ताकि बच्चों को कोई संक्रमण का रिस्क ना हो। कंगारू मदर केयर करने से बच्चे को तो फायदे होते ही होते हैं, साथ ही माता पिता में भी बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे से बॉन्डिंग बढ़ती है, लगाव बढ़ता है, और माँ में स्तनपान को बढ़ावा मिलता है। इससे बच्चे के अंदर ग्रोथ जल्दी होती है, बच्चे को नींद अच्छी आती है, और बच्चे को वजन तेज़ी से बढ़ता है, विकास तेज़ी से होता है, और साथ ही साथ बच्चे में बहुत सारी बीमारियाँ जो प्रीटर्म बच्चों में कॉमन होती है, जैसे पीलिया, संक्रमण, सेरेब्रल पाल्सी, लर्निंग डिसऑर्डर इत्यादि की रिस्क कम हो जाती है, और बच्चों में बार बार बीमारी होने की रिस्क भी कम होती है, साथ ही साथ हॉस्पिटल से अर्ली डिस्चार्ज होता है जिससे पेशेंट पे आर्थिक लोड भी कम पड़ता है।
अगर आपको अपने बच्चे से रिलेटेड और भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।